चटपटी और मसालेदार खबरों के लिए सब्सक्राइब करें और बेल का आइकन दबाइए और हर एक न्यूज सबसे पहले पाइए। भोजपुरी फिल्मों के युवा सुपरस्टार अरविंद अकेला कल्लू और हॉट अदाकारा यामिनी सिंह अभिनीत भोजपुरी मूवी पत्थर के सनम का रिलीज डेट अनाउंस कर दिया गया। जी हां, आपको बता दें कि पत्थर के सनम का ऑफिशियली ट्रेलर तो पहले ही जारी कर दिया गया था, लेकिन फिल्म का ऑफिशियली रिलीज डेट सामने आ चुका है। आपको बता दें कि पहली बार अरविंद अकेला कल्लू और यामिनी सिंह की जोड़ी पहली बार भोजपुरी बॉक्स ऑफिस पर दर्शकों को देखने को मिलेगा। जैसा कि फिल्म के ट्रेलर में दर्शाया गया था, वो दर्शकों को काफी ज्यादा पसंद आ रहा। आपको बता दें कि अरविंद अकेला कल्लू और यामिनी सिंह कि पत्थर के सनम का रिलीज डेट 28 जून को रखा गया है। जी आपको बता दें कि यानी कि 28 जून से बिहार और झारखंड के बॉक्स ऑफिस पर अरविंद अकेला कल्लू और यामिनी सिंह का जलवा भोजपुरी बॉक्स ऑफिस पर दर्शकों को देखने को मिलेगा। आपको बता दें कि इस फिल्म के निर्माता आदित्य कुमार झा हैं, जबकि निर्देशक की बागडोर संभाली है नीरज रणधीर ने। फिल्म के ट्रेलर में अरविंद अकेला कल्लू का बिल्कुल एक्शन और रोमांटिक पैक अंदाज दिखाया गया है, जो दर्शकों को काफी ज्यादा पसंद आ रहा है। तो वहीं यामिनी सिंह का बिल्कुल ग्लैमरस अवतार फिल्म के ट्रेलर में डाला गया है, जो दर्शकों को काफी ज्यादा आनंदित करता है। कुल मिलाकर कहा जाए तो ट्रेलर देखने से यह पता चल रही है कि अरविंद अकेला कल्लू और यामिनी सिंह की जोरदार केमिस्ट्री फिल्म में काफी ज्यादा रोमांटिक ढंग से फिल्माया गया है। तो यानी कि अब देखना यही हुआ कि अरविंद अकेला कल्लू और यामिनी सिंह के पत्थर के सनम को भोजपुरी दर्शक कितना पसंद करेंगे, यह तो 28 जून को ही पता चल पाएगी। लेकिन आपको बता दें कि इस फिल्म के अनाउंसमेंट से अरविंद अकेला कल्लू के फैंस में काफी ज्यादा उत्सुकता देखी जा रही है और इस फिल्म का इंतजार भोजपुरी दर्शक काफी लंबे समय से कर रहे थे। फाइनली 28 जून से बिहार और झारखंड के बॉक्स ऑफिस पर फिल्म का जलवा देखने को मिलेगा।